हेलो गाइस, इंडिया में आज पोको M2 लॉन्च हुआ है गाइस, जो कि टोटल रीब्रांडेड वर्जन है रेडमी 9 प्राइम का। जी हाँ गाइस, ये कोई भी चेंजेस नहीं है इस दोनों फ़ोन में। आपको इन दोनों फ़ोन में कोई भी मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, चाहे स्पेसिफिकेशन की बात करें या फिर डिज़ाइन और लुक की। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं पोको M2 की। तो गाइस, प्राइस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी वाला फ़ोन आपको देखने को मिलेगा 10,999 रुपये में, मतलब कि 11,000 रुपये में। वहीं 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी वाला फ़ोन आपको देखने को मिलेगा 12,499 रुपये। और गाइस, वहीं आगे बढ़ते हुए बात करें तो रेडमी 9 प्राइम 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी के साथ आपको देखने को मिलेगा 9,999 रुपये, और 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी वाला फ़ोन आपको देखने को मिलेगा 11,999 रुपये। तो गाइस, सिर्फ यहाँ पे रैम का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे गाइस पोको M2 में 6 GB रैम आपको देखने को मिलेगा सिर्फ, और वहीं रेडमी 9 प्राइम की बात करेंगे गाइस तो वहाँ पे सिर्फ आपको 4 GB का रैम देखने को मिलेगा। बाकी स्पेसिफिकेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है गाइस। बात करते हैं गाइस पोको M2 के डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.53 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पे इसका रिजोल्यूशन है गाइस वो 2340x1080p है स्क्रीन रिजोल्यूशन, जो कि रेडमी 9 प्राइम उसमें भी सेम है। कैमरा की बात करें गाइस तो 13+8+5+2 ये है बैक कैमरा का क्वाड सेटअप गाइस, तो सेम जो रेडमी 9 प्राइम में है उसमें भी 13+8+5+2, जहाँ पे 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो या डेप्थ, या फिर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। तो बस गाइस, फ्रंट कैमरा की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलेगा, और बैटरी की बात करें गाइस तो 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे वहीं 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, पर चार्जर इन द बॉक्स नहीं है। वहीं प्रोसेसर की बात करें गाइस तो वहीं रेडमी 9 प्राइम वाला प्रोसेसर मीडियाटेक का हीलियो G80 आपको देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन का कोई भी हाई लेवल वाला या फिर 7 सीरीज़ वाला चिपसेट इसमें नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, 10,999 रुपये में 6 GB रैम वाला अगर आपको रेडमी 9 प्राइम चाहिए तो आप पोको M2 ले सकते हैं बस, और कोई भी डिफरेंस नहीं है इस फ़ोन में। अगर आपको रेडमी 9 प्राइम 6 GB रैम के साथ चाहिए तो आप पोको M2 ले सकते हैं बस गाइस, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। जहाँ पे 5000 mAh बैटरी की बात करूँ गाइस, तो वहीं रेडमी 9 प्राइम में 5020 mAh का बैटरी सिर्फ देखने को मिलता है, तो 20 mAh में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा किसी फ़ोन को। तो गाइस, बात करते हैं अब डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन वाइज दोनों फ़ोन प्योर एक दूसरे से मैच करते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है ना स्क्रीन साइज़ में ना इसके थिकनेस पे, हर चीज़ इसका सेम है, डिज़ाइन वगैरह सब कुछ सेम है। यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं गाइस, जैसा कि रेडमी का 9 सीरीज़ आया था, रेडमी 9 प्रो या फिर रेडमी 9 जो भी फ़ोन था, उसके बाद गाइस पोको M2 प्रो आया, तो वो रेडमी 9 जो सीरीज़ था गाइस, रेडमी नोट 9 जो रेडमी का नोट 9 था, वो पोको M2 जैसा दिखता था। मतलब कि गाइस, रेडमी नोट 9 से इंस्पायर होकर पोको M2 प्रो आया, जिसमें सिर्फ बैक डिज़ाइन में जो लाइन लाइन वाली जो डिज़ाइन है वो ऐड कर दिया गया था ग्लास बॉडी के साथ। सेम इसमें भी वही चीज़ हुआ है गाइस, जहाँ पे रेडमी 9 प्राइम का पूरा उठा करके सब कुछ लगा दिया गया है और रैम डाल दिया है 6 GB रैम का, और जो गाइस वो पीछे का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जैसे पोको M2 प्रो के साथ किया गया था वैसी पोको M2 में। बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है फ़ोन में, सब कुछ रेडमी 9 प्राइम का आपको देखने को मिलेगा। मैं फिर से बोलता हूँ गाइस, अगर आपको रेडमी 9 प्राइम 6 GB रैम वाला चाहिए तो आप पोको M2 ले सकते हैं, बाकी सारे स्पेसिफिकेशन इसके सेम हैं, कोई भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं देखने को मिलेगा। तो बस गाइस, अगर आपको कोई कमेंट में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इस फ़ोन के बारे में। बाकी गाइस, फ़ोन की अगर बात करूँ गाइस, तो स्पेसिफिकेशन वाइज और प्राइस वाइज फ़ोन बहुत अच्छा है। यहाँ पे 6 GB रैम अवेलेबल नहीं था रेडमी 9 प्राइम के लिए, तो आप पोको M2 ले सकते हैं। जहाँ पे गाइस जो बहुत सारे जो एड्स आते हैं वो थोड़े पोको के ब्रांड में कम देखने को मिलते हैं रेडमी के मुकाबले, तो गाइस आप रेडमी को अवॉइड करके पोको की तरफ जा सकते हैं अगर आपको 6 GB रैम चाहिए इस फ़ोन में। तो बाकी गाइस, अगर 6 128 GB वाले फ़ोन की बात करें, जिसका प्राइस 12,499 रुपये गया रखा गया है गाइस, तो वो भी अपनी प्राइस के हिसाब से ठीक है, पर अगर आप 12,500 रुपये लगा रहे हैं
तो गाइस कुछ पैसे और लगा के आप 14,999 रुपये वाला कोई फ़ोन ले सकते हैं, जहाँ पे आप पोको M2 प्रो ले सकते हैं, रेडमी नोट 9 ले सकते हैं, नोट 9 प्रो, या फिर आप रियलमी का 6 सीरीज़ ले सकते हैं या रियलमी का 7 सीरीज़ ले सकते हैं। तो अगर आपको 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी वाला फ़ोन 10,999 रुपये में लेना है तो आप ले सकते हैं। बाकी गाइस इसका हाइयर वेरिएंट लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आपको स्टोरेज चाहिए तो भी आप इसकी तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे गाइस आप पोको M2 को रियलमी नार्जो 10 के जगह पे ले सकते हैं, जहाँ पे 48 मेगापिक्सल कैमरा सिर्फ आपको देखने को मिलेगा रियलमी नार्जो 10 में। वहाँ पे अगर रैम मैनेजमेंट या फिर बाकी चीज़ की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको पोको M2 ही आपको विनर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 6 GB का रैम और फुल HD+ स्क्रीन आपको देखने को मिलता है। वहीं रियलमी नार्जो 10 में 4 GB रैम और आपको HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पे इसका प्राइस जो है गाइस वो 1,000 रुपये ज़्यादा ही देखने को मिलेगा पोको M2 के मुकाबले। तो बस गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।